हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे पॉजिटिव आयन रेडिकल और नेगेटिव आयन रेडिकल के बारे में। हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से पॉजिटिव आयन रेडिकल और नेगेटिव आयन रेडिकल आपस में जुड़कर एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं और उस कंपाउंड का एक पर्टिकुलर नेम रखा जाता है। जैसे मान लिया प्लस वन का हम एक एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे एच प्लस ले लिया हमने, और एक नेगेटिव आयन का लेंगे हम सी एल माइनस ले लिया हमने। ठीक, अब हम जानते हैं कि जो एच प्लस वन है इसका प्लस वन चार्ज होता है और जो सी एल है इसका माइनस वन चार्ज होता है। जब ये दोनों एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका चार्ज इस पे 50%, इसका चार्ज इस पे 50% आ जाता है। अब ये दोनों मिलाकर एच सी एल का निर्माण कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जब दोनों एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे तो माइनस और प्लस चार्ज का कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में बनते हैं, या हम कह सकते हैं कि जब दो एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं तो वो यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक, अब एस सी एल, जैसे कहा गया एस सी एल, तो एस सी एल का मतलब ये हुआ, इसका इसी से नाम भी हम रख सकते हैं। जैसे कहा गया एस सी एल का क्या हुआ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है हमारी, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। थैंक यू। इसके अगले वीडियो में हम कुछ और अच्छे एलिमेंट्स के नाम और उनके सिंबल को हम बताएंगे। थैंक यू।